मौत का मोड़। जो लोग हैं, जो आवागमन करते हैं, उन्हें इस मोड़ पर काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। दो तरफ की जो भीड़ होती है, मतलब आने और जाने वालों की भीड़, अक्सर यहाँ पर टकरा जाती है। थोड़ा खतरा टाइप का लगता है ये टर्निंग, अच्छा नहीं लग रहा। चारों तरफ से गाड़ी आता ना, इधर से भी आता उधर से भी आता, थोड़ा दिक्कत तो लगता है। और कुछ सड़क हादसे इस प्रकार से हुए हैं जिसके बाद में एक डिवाइडर बना दिया गया। विजुअल में आप देख रहे होंगे, एक दीदी एक छोटे बच्चे के साथ में इस वक्त मौजूद है और वो अपनी सुरक्षा अपने हाथ में ले रही है। आपने कई बार खबर के माध्यम से सुना होगा सड़क हादसे के बारे में, जिसका अगर विशेष अगर कारण होता होगा या तो हेलमेट ना पहन पाना, या फिर रेस ड्राइविंग, ट्रैफिक नियमों को तोड़ना, या फिर कुछ ऐसे रास्ते की चपेट में आ जाना जिससे आपकी मौत हो जाती है। मैं ईशा साहू और इस वक्त आप देख रहे हैं केपी न्यूज़, और केपी न्यूज़ के साथ में मैं खड़ी हूँ उसी मोड़ पर जो मोड़ आपको सीधा जो लेकर जाता है वो है मौत के कुएं। इस वक्त मैं मौजूद हूँ सुपेला के आकाश गंगा अंडर ब्रिज पे, जहाँ पर अभी मैं इस वक्त मौजूद हूँ और आप देख सकते हैं ये मेरे पीछे का एरिया है। अगर इस अंडर ब्रिज की मैं बात करूँ तो विद्या रतन भसीन के नाम पर इस पूरे अंडर ब्रिज को जो है नाम दे दिया गया है। अक्सर आपने इस सड़क के बारे में बहुत खबरें सुनी होगी, तमाम एक्सीडेंट के बारे में सुना होगा, लेकिन उसके बावजूद इस सड़क की जो स्थिति है अभी की अभी जस की तस है। विजुअल के माध्यम से मैं दिखाने की कोशिश करूंगी, ये वो रोड है जहां से लोग आते हैं सिटी की तरफ से, टाउनशिप की तरफ के लिए आने के लिए जो एकमात्र अगर रास्ता मैं बोलूँ तो वो है ये ब्रिज। ब्रिज की आप कट को अगर देखेंगे, इसकी अगर इंजीनियरिंग आप देखेंगे, इस पे लगातार जो है सवाल उठता है कि किस प्रकार से इसकी इंजीनियरिंग की गई है जिससे आने जाने वाले जो लोग हैं, जो आवागमन करते हैं, उन्हें इस मोड़ पर काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। आए दिन सड़क हादसे यहाँ पर देखने को मिलते हैं और कुछ सड़क हादसे इस प्रकार से हुए हैं जिसके बाद में एक डिवाइडर बना दिया गया है। डिवाइडर काम चलाओ डिवाइडर, आप विजुअल में देख सकेंगे एक डिवाइडर है जहां से लोग सिटी तरफ से अंडरब्रिज से होते हुए कट ले रहे हैं, और तो हर व्यक्ति को यहां से गुजरने वक्त काफ़ी सावधानी बरतनी पड़ रही है। वजह इसकी इंजीनियरिंग इस प्रकार से की गई है कि लोगों को इस जगह पर जब क्रॉस करना होगा कि लोगों को काफ़ी सावधानी यहाँ पर बरतनी पड़ेगी, क्योंकि अगर नज़र हटी तो यहाँ पर दुर्घटना घटना निश्चित है। और इस दुर्घटना को रोकने के लिए, रोकथाम करने के लिए बना दिया गया है एक टेम्परेरी डिवाइडर, जिसकी ना ही कोई मरम्मत और ना ही कोई नवीनीकरण किया जा रहा है। जिस डिवाइडर का भी अगर आप हाल देखेंगे वो भी अब नष्ट की ओर है। लगातार इस जगह पर केपी न्यूज़ आकर खबर बनाता है, और कुछ ही दिनों पहले या कुछ घंटों पहले मैं बात करूं तो एक खबर केपी न्यूज़ के माध्यम से चलाई गई थी जहां सड़क पर दरार आ गई थी। सड़क पर दरार तो आ ही गई थी, लेकिन इस इंजीनियरिंग का, इस रोड की इंजीनियरिंग का क्या होगा, कैसे होगा, कब यहाँ पर जो दुर्घटनाएँ हैं कम होगी या बोले जाए बंद होगी, इसका अंदाज़ा लगा पाना मुश्किल ही नहीं, जैसे नामुमकिन सा लग रहा है। इसमें लगातार हम खबर बनाते हैं, लेकिन लोग हैं वो यहाँ पर लगातार परेशानियों का सामना करते हैं। समस्याएं तो काफ़ी है, पर समस्या बढ़ जाती है तब जब सुपेला चौक का सिग्नल हरा हो जाता है। लोग जब सिटी तरफ से जब टाउनशिप की तरफ आने लगते हैं तब उसका दृश्य आप देख सकते होंगे कि जब यहाँ से लोग क्रॉस करेंगे तो या फिर उधर की भीड़ को रुकना पड़ता है होता है, या फिर इधर की जो भीड़ होती है उसे सावधानी बरतना पड़ता है। और अक्सर यहाँ पर दो तरफ की जो भीड़ होती है, मतलब आने और जाने वालों की भीड़, अक्सर यहाँ पर टकरा जाती है और टकराती है, और इस प्रकार से जो है यहाँ का मंजर हो जाता है, यहाँ का दृश्य हो जाता है। देखिए विजुअल के माध्यम से लोग आ रहे हैं सावधानी से और पूरी चीज़ों से, बस कुछ कुछ सेकंड के लिए बच जाते हैं, लेकिन कब बचेगा, बाल बाल बचेंगे, यही सवाल बस इनके जहन पर आता रहता है। देख सकते हैं विजुअल के माध्यम से कि कैसे भीड़ आ रही है और कैसे जो है पूरी तरीके से रुक कर, ठहर कर, अपना हाथ में अपनी सुरक्षा लेकर यहाँ से गुजर रही है, पर मौत को भी कहीं ना कहीं गले लगाने का जो डर है वो इनके दिमाग जहन पर चलते रहता है जब वो इस जगह से, इस मोड़ से गुजरते हैं। क्योंकि जैसे मैंने पहले ही इस मोड़ का जो नाम है वो दे दिया है, मौत का मोड़। इसका जो मोड़ है उसका रास्ता सीधा जाता है मौत के कुएं में।
भैया हमारे साथ इस वक्त मौजूद है। भैया से जानते हैं कि कितने बार वो इस टर्निंग से गुजरते हैं और उन लोगों को क्या लगता है कि ये टर्निंग किस प्रकार से है। भैया टर्निंग ये कैसा है बताइए। बहुत डर लगता है क्योंकि उधर से भी गाड़ी आते हैं, इधर से भी आता, चारों तरफ आता है, थोड़ा खतरा टाइप का लगता है ये टर्निंग, अच्छा नहीं लग रहा। कितने बार गुजरते होंगे दिन में? दिन में 4-5 बार गुजरते हैं इधर से। और हर बार सावधानी बरतनी पड़ती है? हर बार तो डर के निकलना पड़ता है उधर जाने के लिए, बहुत डर लगता है। कितने बार इस जगह से आप आना जाना करते हैं और किस प्रकार की स्थिति अक्सर आप यहाँ पे देखते हैं? मैं तो बहुत बार गुजरता हूँ क्योंकि गाड़ी चलाता हूँ, ई रिक्शा, तो बहुत बार गुजरना पड़ता, चारों तरफ से गाड़ी आता ना, इधर से भी आता उधर से भी आता, थोड़ा दिक्कत तो लगता है जी। कुछ गाड़ी के टकरा गया करके डर भी लगता है, खतरा भी रहता ही है। वही बात जो मैं आपको बार बार इस वीडियो के माध्यम से कह रही हूँ कि जब भी इस मोड़ से जब लोगों को गुजरना पड़ता है तो काफ़ी सावधानी बरतनी पड़ती है, और उसके बाद भी जो है बार बार जो है इनके हादसे होने से इनकी जो और बार बार जो है ये हादसे से बच जाते हैं। और भी लोग आ रहे हैं बार बार, लेकिन किसी को इस प्रकार से यहाँ पर रोकना उचित नहीं है। फिर भी हमने एक व्यक्ति से रुककर बातचीत की और जानने की कोशिश की कि उन्हें जब यहाँ से गुजरते हैं तब उन्हें कैसा महसूस होता है, यहाँ पर कैसी स्थिति उनको देखने को मिलती है। देख सकते हैं बाल बाल जो है दीदी बची है इस सड़क में। मैंने जैसे कि आपको बताया कि इतनी सावधानी इस जगह पर बरतनी पड़ती है, जब सिग्नल खुलता है दो तरफ की जो पब्लिक है आपस में टकराती है, और उस समय का जो दृश्य है वो आप विजुअल के माध्यम से देख ही रहे होंगे कि किस प्रकार की स्थितियों का सामना करना पड़ता है। विजुअल में आप देख रहे होंगे एक दीदी एक छोटे बच्चे के साथ में इस वक्त मौजूद है और वो अपनी सुरक्षा अपने हाथ में ले रही है, इसलिए वहाँ पर वो खड़े होकर इंतज़ार कर रही हैं, पर कहीं ना कहीं अपनी जो जान है और अपने बच्चे की जो जान है जोखिम में डाल रही है। देख सकते हैं एक गाड़ी में 4 लोग 5 लोग सवार हैं, ट्रैफिक नियम का पूरी तरीके से उल्लंघन किया जा रहा है। अगर आपने इस पूरे स्टोरी को आपने देखा, पूरे विजुअल के माध्यम से देखा होगा, तो किस प्रकार से जो लोग हैं धड़ल्ले हैं, एक्सीडेंट की जो प्रक्रिया है, हर मिनटों और सेकंड पे आप एक ऐसा दृश्य यहाँ पे देख सकते हैं जहाँ पर दो लोगों के बीच में भिड़त होते होते बच जाती है और जो दुर्घटना है वो टल जाती है। अब देखने की बात होगी, सोचने की बात होगी कि कब जो है इसकी स्थिति सुधरेगी और प्रशासन इस पे काम करेगी। तब तक बने रहिए केपी न्यूज़ के साथ में। धन्यवाद।